ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, बड़ा चुनाव है और आप लोगों को बहुत सोच समझ कर वोट करना है। मैं तो खासकर जाट बिरादरी के लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई जहां तक हो सका इस तमर पर वोट ना चला जाए एक भी किसी जाट बिरादरी का। अगर जाटों ने इस तमर को वोट दे दिया तो जाटों बता रहे हूं मुंह दिखा के इस जिले के अंदर आ कुछ असामाजिक तत्वों ने जो हमारे बीच दूरियां पैदा कर दी। आपसे विनम्र निवेदन सभी से है कि हमें वो हर सूरत में वो जो दूरियां हैं वो खत्म करनी है। यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हम सब रहेंगे, यहीं खाना है, यहीं कमाना है, तो यहां हमें मिलजुल कर किसी भी एक वोटर के लिए भी कोशिश करनी है हमें, एक एक वोटर के लिए कि एक भी वोट हमारा किसी गलत जगह यानी कि जो पूर्व सांसद है हमारा उस पर नहीं जाना चाहिए। गठबंधन के प्रत्याशी हैं हमारे दानिश भाई, एक एक वोट हर तरह से कोशिश करके हमें दानिश भाई को दिलाना है। चुनावी वक्त है, समय बहुमूल्य, हमसे ज्यादा हमारे प्रत्याशी महोदय का बहुमूल्य है। मैं तो आप सबसे एक ही निवेदन करता हूं कि सभी भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हमें मतदान अपना अपने गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में करना है। और भाई दानिश अली जी से भी एक निवेदन है, एक दो लाइनों के माध्यम से, कल सामने आए तो झूठे से ही मुस्कुरा देना, पलकों पर बिठाकर गिरा मत देना। एक वैसा ही चुनाव है ये फिर दोबारा से, जब सब लोगों को इकट्ठा होकर पूरी ताकत से गठबंधन प्रत्याशी को जिताना है। गठबंधन पूरे ऐसी पार्टियों का जो किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की, अकलियतों की बात करता है, शायद ये इस तरह का गठबंधन बना है कि जहां हम सबको गुंजाइश है आगे बढ़ने की, देश को आगे बढ़ाने की, अपने लोगों को, अपने समाज को आगे बढ़ाने की। तो सिर्फ आखिर में इतनी सी बात कहूंगा, मंत्री जी की इज्जत के लिए, आप अपनी इज्जत के लिए, अपने क्षेत्र की इज्जत के लिए गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली साहब को पूरी ताकत से चुनाव लड़ाकर जिताएं।